हम नहीं देखे, वो बोल रहे हैं कि जेडीयू टूट जाएगी। नहीं, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वही जानेंगे बेहतर कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। और किसी और का करने से पहले तो अपना ही कर लेना चाहिए उनको, वो अपने बारे में अपना फ्यूचर क्या बता रहे, पहले उनको ही बता देना चाहिए। तो आज भी देखिए कितना बड़ा काम हुआ है, जो खिलाड़ी जो मेडल जीत के आए हैं उन सब लोगों को हम लोगों ने आज जो है नियुक्ति पत्र नौकरी जो है सरकार में हम लोगों ने दिया है। तो हम लोग तो जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। और आने वाले जो 12 तारीख को आपको भी पता है लाखों के तादाद में जो है जो नवनियुक्त जो शिक्षक होंगे सेकेंड फेज का, इससे पहले तो 1,20,000 के करीब हम लोगों ने दिया, इस बार फिर 1,00,000 से ऊपर हम लोग दे रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख जो लोग थे उनको भी राजकीय दर्जा का हम लोगों ने दिया है। तो इन सब इश्यू पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा भाई? विकास की चिंता तो इनको नहीं है, बिहार की चिंता नहीं है। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं जिस कमिटमेंट के साथ हम लोग आए, तो इस काम पे बहस होना चाहिए। सर, आप नीतीश जी से मुलाकात की है, बीजेपी लगातार कह रही थी तो मनाने गए हैं। अरे भाई, हम उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग मिलकर के सरकार जो है मजबूती के साथ चला रहे हैं, तो हम लोग तो हमेशा मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे भाई, कोई अलग बात है क्या? तो किसी से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। इन लोग अपना कुछ भी टीवी में आने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। भाषण दिया झंझारपुर में, इसको बीजेपी बोल रही है कि छोड़िए ना भाई।